कांग्रेस पार्टी फेल क्यों होती है? क्योंकि अगर ये हिंदी का पेपर देने जाते हैं ना, राहुल गांधी जी कहते हैं कि जलेबी की फैक्ट्री लगा दूंगा। साहब, जलेबी की फैक्ट्री लग सकती है क्या? कैसी बात कर रहे हैं? राहुल गांधी कहते हैं चील कौओं को रोजगार दे दूंगा। राहुल गांधी कहते हैं आटा लीटर में बांट दूंगा। आप अपने घर में आटा लीटर में लाते हो क्या? केजरीवाल को दिल्ली में एलजी ने काम नहीं करने दिया, तो केजरीवाल किसका बहनोई लग रहा था? उत्तेजित काय हो रहे हैं, शिलाजीत का क्या है? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो को फारसी क्या, सूती कपड़ों को बनारसी क्या? मैं कौन, मैं खामोखा। इनकी शकल देखिए, कैमरा में फोकस करो। बेगानी शादी में अच्छी दीवाना बनकर, ज्ञान कुछ भी नहीं है। मोहब्बत की दुकान में हीरोइन मिलता है। गुजरात में 3,000 किलो नमकीन वो मिली थी। नमकीन नहीं, नमकीन। एम पित्रोदा कह रहा कि पप्पू नहीं है राहुल गांधी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है जी, पढ़े लिखे हैं, उनके पास डिग्रियां हैं कॉलेजों की, और बहुत समझदारी की बात करते हैं। वो ऐसे थोड़ी ना है, कोई गवार थोड़ी ना कहीं के आए जी, ये कहीं से भी आके नेतागिरी करने लगे और अपने आप को ये कहने लगे कि जी देखो जी हम बहुत अच्छी तरह से देश चलाएंगे। वो बहुत समझदार हैं, विपक्ष में भी हैं तो बहुत अपने अच्छे तरीके से उन्होंने अपना कर्तव्य का निर्वहन किया है, लेकिन सत्ताधारी पार्टियों ने उनके उनके मकान भी छीन लिया। बताओ, उनको अपनी मम्मी के घर में रहना पड़ा, एक राज्यसभा का सांसद होते हुए भी। सभा चली गई थी ना तब, क्या? नहीं नहीं नहीं, वो उससे पहले ही उनसे उनके मकान छीन लिया गया था। ये कह रहे हैं कि पप्पू नहीं है, सैम पित्रोदा ने कहा कि पप्पू नहीं है राहुल गांधी। पप्पू नहीं है वो, तो मैं तो कह रहा हूँ सैम पित्रोदा खुद ही पप्पू है। अरे खुद ही पप्पू है, जो 1984 में पता है 1984 के दंगे में उसने किसने पूछा भाई क्या तुम्हारे 1900 कहता हो गया तो हो गया। ऐसे ये पप्पू भी करता है, अरे हो गया तो हो गया क्या मतलब? 1984 के दंगे, और जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बना उससे मतलब उसका इंदिरा गांधी का से, तो भाई साहब कितने सिखों को मरवा दिया, कितने सिखों को दिल्ली के अंदर 3,000 सिखों का मतलब। ये राहुल गांधी की बात करें आप, राजीव गांधी की बात करें, ये राहुल गांधी विपक्ष का नेता हुआ, अच्छे काम कर रहे हैं। भाई साहब वो सैम पित्रोदा से रिलेटेड है ना, तो सैम पित्रोदा से किसी ने पूछा था ना कि 84 के दंगों में इसमें, तो वो कहता हो गया तो हो गया। तो मैं तो कह रहा हूँ उससे सैम पित्रोदा तो है राहुल गांधी से बड़ा पप्पू है। वो कह रहा है पप्पू नहीं है, वो बड़ा पप्पू है। मैं तो बताओ बताया या नहीं बताओ? ये आदमी नहीं, ये गलत कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। कांग्रेस कैसे निकासी में सिक्कों को मरवा दिया, ये खामखा का निराधार आरोप। देखिए उसमें इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, और इंदिरा गांधी जी जो है वो तुम्हें पता है किस कितनी अच्छी नेता थी देश की, और देश को साथ में लेकर चली। उनसे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री अभी तक मेरी नज़र में कोई हुआ नहीं है, मुझे दिखाई नहीं देता आसपास भी उनके। और रही बात, ये कह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं जी सिखों की हत्या कर दी, ये बताइए आप जब प्रधानमंत्री की हत्या करेंगे तो उस पर अगर प्रतिक्रिया कोई होती है और उसमें पुलिस अफसर लगाती है तो उसका आरोप क्या उन पर लगा दिया जाएगा? ये कांग्रेस की राष्ट्रीय पार्टी नेता पर लगा दिया जाएगा? नहीं। देखिए जब तुम अब देश को तोड़ने की बात करोगे, खालिस्तान की मांग करोगे, तो बताइए एक प्रधानमंत्री होने के नाते क्या वो देश को टूटने देती है? आपको बढ़ावा किसने दिया? अच्छा इनसे ये पूछो, भिंडर वाले जी को ऊपर किसने चढ़ाया? ये इंदिरा गांधी ने चढ़ाया, और वो जब उसके सिर से मतलब ऊपर निकलने लगा ना, तो फिर उसने क्या किया? देखो बात सुनो, उसने है ना वहाँ अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल के अंदर टैंक भेज दिए। बताओ ये गलती है? अरे अरे गलती अरे जब तुम चढ़ाया किसने? अरे चढ़ाया क्या होता है? मैं बताइए चढ़ाया क्या होता है? अब भिंडर वाले उसके बाद जो है, अरे भैया सुनो, जब एक तरफ तुम राहुल सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी पप्पू नहीं, बहुत बढ़िया है, सबसे अच्छा लीडर है इस देश का, ये कह रहे कि उनसे अच्छा लीडर ही नहीं इस देश में। भाई साहब ये तो कुछ भी बोल देंगे, इनकी बात को मैं थोड़ी मान लूंगा। आप एक बात बताइए, राहुल गांधी के बयान का मैं, आपने एक वो कहावत नहीं सुनी है क्या कि चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल गांधी के बयान का और चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है? कुछ भी बोल देते आप, मेरी बात सुनिए। राहुल गांधी जी कहते हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं सर, फिर ये बैकग्राउंड म्यूजिक देंगे, ये बीच में बोलेंगे। मैं बता रहा हूँ, मैंने सीधी बात, कांग्रेस पार्टी की आदत ही यही है, ये बीच में बोलेंगे, मुझे बोलने नहीं देंगे, मेरी आवाज की मॉब लिंचिंग करेंगे, ये बैकग्राउंड म्यूजिक देंगे। मॉब लिंचिंग मत करिए, आप बताइए कांग्रेस की आदत ही है कि मॉब लिंचिंग करो? आप मेरी आवाज की मॉब लिंचिंग मत करिए, आप मेरी बात सुनिए। ये मेरे पिता समान है, लेकिन फिर भी देखिए मेरे से बहस कर रहे हैं और मेरे को बोलने नहीं दे रहे। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को बोलने, सज्जन व्यक्ति है, आप मेरी बात सुनिए। राहुल गांधी जी कहते हैं कि जलेबी की फैक्ट्री लगा दूंगा। साहब, जलेबी की फैक्ट्री लग सकती है क्या? कैसी बात कर रहे हैं? राहुल गांधी कहते हैं चील कौओं को रोजगार दे दूंगा। राहुल गांधी कहते हैं आटा लीटर में बांट दूंगा। आप अपने घर में आटा लीटर में लाते हो क्या? नहीं होता। आप मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी कहते हैं कील से हथौड़ी ठोक दूंगा।
बताइए, और आप उनको समझदार बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप मेरी बात सुनिए सर, सर मेरी बात सुनिए। ये कह रहे कील से बात जाएगी तो क्या बुराई है, ये भी कह रहे जिलेबियां। अरे फिर मैं आवाज की, मैं बता तो रहा हूँ, अगर राहुल गांधी कह दे ये पानी नहीं पापा है तो चमचे ये तक कह देंगे हाँ ये पापा ही है, पानी नहीं है। इस तीस लेवल पर ये अंधभक्ति और चमचागिरी स्टार्ट कर दे। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इस देश के डेवलपमेंट विकास पर बात करना चाहता हूँ। आप इस देश की अर्थव्यवस्था पर बात करिए, देश के डेवलपमेंट पर बात करिए। राहुल गांधी कोई मुद्दा है क्या देश के अंदर? वो बड़ बोलापन, बालक बुद्धि, जड़ बुद्धि व्यक्ति, वो इस देश के अंदर मुद्दा ही नहीं हो सकता। हेलो भी है, विपक्ष के नेता है। आप सुनिए, राहुल गांधी को के अंदर राहुल गांधी को कोई अपना पापा बना रहा है, उनके नेताओं को राहुल गांधी को कोई अपना विपक्ष के नेता जरूर हैं, पर आप रायबरेली और अमेठी को जाके देख लीजिए, बिल्कुल कचरा बना। तीन तीन प्रधानमंत्री मिले, सुनिए सुनिए मेरी बात, तीन तीन प्रधानमंत्री मिले, सुनिए तीन 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 प्रधानमंत्री मिले, तीन तीन प्रधानमंत्री, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू, और आज आज देखो कितनी हालत गंदी है उसकी, इस हालत गंदी है सर। जोर का झटका है, जोरों से लगा, देखो बौखला रहे हैं। मैं बता रहा हूँ यही चीज कह रहे थे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हाँ भाई साहब, बिल्कुल सरकार बनी, पर तिहाड़ जेल के अंदर बनी, हेमंत सोरेन जेल में। आप मेरी बात सुनिए, ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज बोलते, चिल्ला चिल्ला करके झूठ बोलते हैं। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतवार ना क्या करता तो क्या करता, एक एक लाख रुपए सबको बांटने के लिए बोल रहे राहुल गांधी। लेकिन आप मुझे बताइए, आज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हिमाचल में अभी तक सैलरी नहीं मिली कर्मचारियों को, हिमाचल कर्जे में चला गया, कहे चला गया भैया बताइए। अरे तो भैया जब बताइए, जो केंद्र सरकार है राज्य सरकार का रिश्ता नहीं देगी तो वो कैसे सरकार। अब मेरी बात सुनो, कांग्रेस पार्टी फेल क्यों होती है? क्योंकि अगर ये हिंदी का पेपर देने जाते हैं ना तो उसमें गणित लिख करके आते हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं। आप हिंदी के पेपर में हिंदी लिखो ना साहब, सीधा सीधा क्यों नहीं बता रहे कि हिमाचल के अंदर आप लोगों ने अंधाधुंध पैसा खर्चा करा, हिमाचल के अंदर आप लोगों ने भ्रष्टाचार करा, इसलिए आज हिमाचल के लोगों को सैलरी नहीं दे पा रहे, और हरियाणा के अंदर आप कह रहे हो एक एक लाख रुपए एक परिवार को देंगे। झूठ स्कीम चली हुई है, हिमालय की बर्फ लगेगी अभी। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को सैलरी कितनी तारीख को मिलेगी? भाई साहब मेरी बात सुनिए, हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी मिल रही है और नियमित रूप से मिल रही है, कोई ऐसी भाई साहब अभी तो गांव बसा ले, और गांव बसा ले किन्नर कहां से आ गए? कांग्रेस, कांग्रेस भाई साहब, हमने रैली है कांग्रेस की, सैलरी मिल रही है। आप मेरी बात सुनो, देखो पेंशन मिलनी स्टार्ट हो गई, ये कह रहे हैं। देखो आपके चैनल पर सर डेट नहीं बता पा रहे कि हिमाचल में जो सरकारी कर्मचारी हैं, विधायक हैं, नेता हैं, उनको सैलरी कब मिलेगी ये नहीं बता पा रहे, पर हरियाणा के अंदर एक एक लाख रुपए दे देंगे। देखो कितने झूठे आदमी, कैमरामैन फोकस करो, देखो झूठ बोल रहा है। मोदी बोलो, मोदी जी ने झूठ बोलो यार, मेरे को बोलने दोगे सर? झूठ तो कोई तरीका नहीं है बात करने का यार। जिस प्रकार मोदी जी ने केजरीवाल को दिल्ली में काम नहीं करने दिया, उसी प्रकार के अड़ंगे अन्य राज्यों में भी लगा रहे हैं। और अब की बार हरियाणा में देख लेना, आपका रिजल्ट आने वाला है, कल पता चल जाएगा। कांग्रेसी भी बोल रहा है, एक मिनट, आज एक कांग्रेसी भी बोल रहा है कि केजरीवाल को दिल्ली में एलजी ने काम नहीं करने दिया, तो केजरीवाल किसका बहनोई लग रहा था जब डेली 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2014 में बोलता था शीला दीक्षित काम नहीं कर रही है। इस्तेमाल ना तो मैं करता हूँ और ना मुझे सुनना पसंद है भाई, ये बात गलत है। अगर बात करो तो बिल्कुल भाषा याद आ गई, अब मर्यादा याद आ गई। यही लोग हैं आम आदमी पार्टी के, ये खुद कांग्रेस में है लेकिन इनका केजरीवाल ट्रैक्टर भर भर के 2014 में गाली देता था कांग्रेस पार्टी को। डिपार्टमेंट तो नहीं है, आज इन्होंने पार्टी बदल दी, पार्टी बदल लेता, उन्होंने जो भी संसाधन थे उसी से बेहतर बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कई सरमाएदारों को उनको डिपार्टमेंट नहीं बेचा, बेकार की बात करते हो। देखो 7:01 मिनट अंकल, 7:23 मिनट तक
अभी ये कांग्रेस में थे, 7/25 पे आम आदमी पार्टी में आ गए। नहीं यार, बात ये नहीं है, बात विपक्ष उसकी है कि जाती का विरोध करना, चाहे दिल्ली हो चाहे हरियाणा हो, जहाँ भी विपक्ष उनके खिलाफ कोई बोलता है, मोदी जी के खिलाफ बोलता है, तो वो ऐसे ही करते हैं, मुख्यमंत्रियों को परेशान करते, पत्रकार मोदी विपक्ष को परेशान करते। आप मेरी बात सुनो, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, केजरीवाल दिल्ली का बेटा था, दिल्ली की जनता से बिल्कुल मेरी बात तो सुन लो, आपकी बात बड़ी कर दी सर, उत्तेजित का हो रहे हैं, शिलाजीत का क्या है क्या, मेरी बात सुनिए, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, छोटी सी बात है, केजरीवाल ने बोला अगर मैंने चोरी करी, अगर मैंने दिल्ली की जनता का पैसा चुराया, मैं पाठशाला की बात करता था लेकिन मैं मधुशाला के घोटाले में पकड़ा गया, तो मुझे दिल्ली के लोकसभा चुनाव में वोट मत देना। देखो दिल्ली की जनता ने 7 सीटों पर एक भी सीट केजरीवाल को नहीं जिताई, ना कांग्रेस पार्टी को जिताई, साफ साफ पता चल गया आपने चोरी करी, फिर काय का डिंडोरा पीट रहे हो। भाई साहब एक बात बताइए कि केजरीवाल जी ने कोई ऐसा कोई गलत काम नहीं कर दिया कि आप उन्हें मुख्यमंत्री रहते भी उठा लो, चलो कर भी दिया, तो उसमें न्याय न्याय न्यायपालिका कार्य कर रही है। भाई साहब किसने उठाया केजरीवाल को, किसने उठाया? चलो सरकार ने जो भी उन पे FIR हुई है, जो भी वो सर कोर्ट ने कहा है, लेकिन इस प्रकार एक मुख्यमंत्री थे उसमें जांच बैठनी चाहिए थी, पहले जांच होती है, किसी की रिपोर्ट आती है तब जाके कोई बात होती है। जब गोधरा का आरोप नरेंद्र मोदी जी पर, जब गोधरा का आरोप नरेंद्र मोदी जी पर लगवाया, भारतीय राजनीति के इतिहास में ये पहली बार हुआ है किसी आदमी को मुख्यमंत्री होते हुए आपने उठा लिया हो। बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसे कि जैसे सच बोल रहे हो, एक और झूठ बोल दो फिर मैं बोलूंगा। भैया राजनीति के लिए अच्छी बात नहीं है और देश के लिए भी अच्छी बात नहीं है। देखो राजनीति एक भाई अंकल जी, राजनीति मर्यादा संयम पराकाष्ठा, प्रभु मेरी बात सुन लो, देवतुल्य जनता है आप देश की। मोदी जी पर जब गोधरा कांड का आरोप लगाया था, जब अमित शाह जी को तड़ी पार करवाया था, 20 साल तक मोदी जी पे मीडिया ट्रायल चलवाया था, मोदी जी कितनी बार रोए कि मेरे ऊपर मीडिया ट्रायल मत चलाओ। भाई साहब देखिए कौन से मोदी जी, वही सुप्रीम कोर्ट था ना देश के अंदर, वही सुप्रीम कोर्ट था ना देश के अंदर, मोदी जी तो नहीं रोए कि मेरे ऊपर मीडिया ट्रायल चलवा दिया, मेरे ऊपर दंगे का आरोप लगा दिया, मेरे ऊपर ये आरोप लगा दिया, पर आपका केजरीवाल चोरी करता है तो आपका रोने लग जाता है। हमें सबको पता है यार वहाँ गुजरात में क्या हुआ, क्या नहीं करके आए, क्या पता है, इन्होंने वहाँ पे बहुत ज्यादा झगड़ा किया, उसी को उसी बता दीजिए, वो अच्छी बात नहीं है, वो देश के लिए अच्छी बात नहीं है, नफरत वाली बात है, उन बातों को दोबारा नहीं उठाना चाहता, वो क्या करके आए, 140 करोड़ लोग सुनना चाह रहे गोधरा में क्या हुआ था। भाई मैं बताऊं, मुझे बताया रेलगाड़ी में आग लगी थी और वहाँ पे जो साधु नहीं लगाई गई थी, अरे भाई साहब अब वो लगाई गई तो जैसी रिपोर्ट आई होगी मुझे नहीं मालूम है, जैसी रिपोर्ट आई होगी। मैं सुनो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो को फारसी क्या, सूती कपड़ों को बनारसी क्या, मैं कौन मैं खामोखा, इनकी शक्ल देखिए कैमरा में फोकस करो, बेगानी शादी में अच्छी है, ज्ञान कुछ भी नहीं है, आग लग गई ये हो गया, देखो बॉडी शेमिंग हो गई, अभी थोड़ी देर में कहेंगे मेरे को पत्थर चला दिया, हमको तो सता दिया, हमको मार दिया, हमको काट दिया, ये रोना कब, रोना कब, मोदी जी ने बॉडी शेमिंग कर दी, मैंने कब बोल दिया आपका मुंह नमक पारे जैसा जो बॉडी शेमिंग हो गई, मैं कब गलत रही, तो जिस तरीके से जलेबी जैसी है, मैंने तो बोला ही नहीं, जलेबी की बात कर दे तो जलेबी की फैक्ट्री की बात हुई क्या, तो बोला ही नहीं, मैंने तो लगा इसकी नाक मिसाई जैसी है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, ये आपस में अपने आप लेकर जा रहे अपने ऊपर, बॉडी शेमिंग, ये शेमिंग, वो शेमिंग, जलेबी की फैक्ट्री कैसे लग सकती है, युवा है आगे, ये इनके हाथों में देश की दागडोर आएगी, मैं चाहता हूँ ये राजनीति करें और आगे जब तो आएगी अपनी राजनीति की, ये छोड़ेंगे कह रहे हैं, ये छोड़ेंगे तभी तो आएगी, हाँ आप छोड़ ही नहीं रहे, तो मैं उसी से बोला कर रहा हूँ, छोड़ने की बात ये है, कोई अगर सही दिशा में काम करोगे तभी तो हम बताएंगे भाई यहाँ पे तो हमसे सीखो, ये गलत है, मोदी से परेशानी क्या है तुमको ये बताओ, भाई हमें परेशानी ये कुछ नहीं है, हम ये चाहते हैं देश के अंदर नफरत का माहौल ना बने और जो भी सरकारें हैं वो अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करें और ये जो गरीब जनता है इसको राहत दे, इसको राहत दे, जितना हो सके। मोदी जी नफरत फैला रहे हैं पर जो लोग मोहब्बत की दुकान चला रहे थे, 5660 करोड़ का अफीम निकला हीरोइन उनके घर में, कांग्रेस पार्टी के नेता के यहाँ 5660 करोड़ का मोहब्बत की दुकान में हीरोइन मिलता है। गुजरात में 3000 किलो नमकीन वो मिली थी, नमकीन नहीं यार, नमकीन नहीं, नमकीन को
लेकिन हाँ अंबानी के घोष पे, अरे अंबानी के पोर्ट पे, अंबानी के पोर्ट पे मिली थी भाई साहब, बिल्कुल अंबानी के पोर्ट पे मिली थी, जहाँ पे यहाँ कांग्रेस के नेता के पास, अरे जिस जिस पोर्ट को अंबानी जी चलाते हैं वहाँ पर तीन भाई कांग्रेस के नेता के पास मिली, यहाँ पर यानी कितने किलो मिली थी भाई साहब, हमने न्यूजों में पढ़ा है। नहीं यहाँ पर भी तो मिला ना कांग्रेस के नेता के, ये अलग कंफ्यूज हो रहे हैं, इन्हें ये पता अंबानी है या अडानी है ये भी नहीं पता, ये बस बहस कर ली थी, वैसे मिली थी मुद्रा, अरे मुद्रा एयरपोर्ट मुद्रा बंदरगाह की बात, क्या आपको पता तो है नहीं कुछ, अरे आपको पता नहीं है आप मुद्रा, अरे मैं बताता हूँ मुद्रा में क्या, अरे मिले भाई साहब मुद्रा आउटसोर्स की हुई है, अरे मेरे को बता अडानी खुद चलाता है, अरे ये मिली है स्वीकार नहीं है कांग्रेस का, जो आउटसोर्स ये वाले ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है भाई साहब, ऐसा नहीं होता, कांग्रेस के नेता के पास 5,000 अडानी ने जिसको किराए पे दिए वही तो जिम्मेदार है, अगर आपको किराए पे दिए तो आप ही तो जिम्मेदार हो गए, अब अडानी अरे ऐसे ये भाई साहब ये इसको लगा के कांग्रेस के नेता के पास भी तो, कांग्रेस के नेता के पास भी तो मिली है लगा के, उसमें क्यों नहीं बोल रहे हो मैं, कांग्रेस के नेता के घर पर मिली है 6,000 करोड़ रुपए की ड्रग, उस पर बोलिए ना, देखिए जिसने भी जो भी गलत काम कर रहा है या जो भी राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहा है या राष्ट्र को कमजोर करने का कार्य कर रहा है, मैं चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो MLA हो चाहे वो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानून का रूप कानून का राज होना चाहिए, अपनी मनमर्जी का मन माफिक का या राजनीतिक प्रतिशोध का कार्य करने वाले राजनेता ना तो ज्यादा दिन सत्ता में रह पाते हैं और ना रह पाएंगे।